हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं 1 kg चॉकलेट ट्रफल केक। ट्रफल से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज भी हम ट्रफल गिनाश के बारे में सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं। साथ ही ये जो केक डिजाइन है वो मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है, लेकिन जब आज इसका वापस ऑर्डर आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो आज की केक डिजाइन में ऊपर फोंडेंट का क्राउन है, तो फोंडेंट का क्राउन कैसे बनाना है, कैसे उसे ड्राई करना है, वो सब हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं बेकिंग से। तो यहाँ पर मैं 1 kg चॉकलेट ट्रफल केक के लिए 1 kg स्पॉन्ज की बेकिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के थ्रू 300 ग्राम का चॉकलेट प्रीमिक्स यूज किया है। ऐड करके जल्दी से रेडी कर दिया है बैटर, और अब मैं बेकिंग के लिए यूज कर रही हूँ 6x4 का केक टिन। बैटर को टिन में पोर कर देंगे, और बेक होने के लिए यहाँ पे कुकर में मैं 30-40 मिनट के अराउंड उसको बेक करने के लिए रख दूंगी। आफ्टर 45 मिनट जब मैंने कुकर चेक किया और टूथपिक एकदम क्लीन बाहर निकली, तब मेरा स्पॉन्ज बैक हो चुका था। केक टिन को कुकर से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया। जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा होता है, तब तक हम रेडी कर लेते हैं ट्रफल गिनाश। ट्रफल गिनाश बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मॉर्डे की डार्क कंपाउंड। 500 ग्राम का पूरा एक पैकेट यूज कर रही हूँ, क्योंकि केक 1 kg का है और उसके अंदर और बाहर दोनों जगह चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग होने वाली है। तो गिनाश बनाने का प्रोसीजर यही है कि पहले आप चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लीजिए, एंड देन उसके अंदर एड करेंगे नॉन डेयरी क्रीम और उसको डबल बॉयलर की हेल्प से एक बारी के लिए मेल्ट करेंगे। ये सेम वही प्रोसेस है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कंप्लीट डिटेलिंग वीडियो डाला था चॉकलेट ट्रफल के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। सो गाइस, हमारा स्पॉन्ज रेडी है जो कि रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा है, और गनाश के लिए जो चॉकलेट है वो डबल बॉयलर पर मेल्ट होने के लिए रखी है। अब बात करते हैं इसके डेकोरेशन की। तो इसके डेकोरेशन में ऊपर फोंडेंट का क्राउन और फोंडेंट की ही टॉपिंग है। इस फोंडेंट के क्राउन को मैंने एक रात पहले ही बनाया, तो कल के वीडियो में मैंने इसको अपलोड कर दिया। इस फोंडेंट क्राउन को कैसे बनाना है, लिंक आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो वीडियो आप आप पे जाके देख लीजिए। अगर आपको फोंडेंट का क्राउन कैसे बनाया मैंने ये देखना है, तो वो मैंने एक दिन पहले बनाया था, रात को ड्राई होने के लिए ओवरनाइट रख दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका आउटपुट कैसा था। जनरली क्या होता है ना कि हम फोंडेंट का क्राउन या कुछ भी चीज़ बनाते हैं और उसको जब भी हाथ में पकड़ते तो वो अच्छे से ड्राई नहीं होता है, तो जिस वजह से वो प्रॉपर शेप में नहीं रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा क्राउन है वो एकदम परफेक्टली ड्राई हो चुका है, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ईजिली आप इसको हाथ में पकड़ पा रहे हैं। मतलब फोंडेंट एकदम अच्छे से ड्राई होने के बाद ये केक पर भी अच्छे से सेट होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर क्राउन तो हमारा कंप्लीट है, बस इसको गोल्डन करना है। तो गाइस, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए क्राउन से रिलेटेड सारी डिटेल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड की है। क्राउन को गोल्डन कैसे किया वो भी उसमें डिटेलिंग से बताया है। तो प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पिछला वीडियो देख के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ बैक टू द ट्रफल गनाश। यहाँ पर हमने एक बार उसको डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के क्रिस्टल बन रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वही नॉन डेयरी व्हिप क्रीम। यहाँ पर हमारा जो गिनाश है वो एकदम रेडी है, बस हम इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, या तो आप चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो, और नहीं तो अगर आप बहुत देर बाद यूज करने वाले हो तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, अगर ये विंटर है तो, है ना। तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है। अब इसके ठंडे होने पर जो कंसिस्टेंसी होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि चॉकलेट ट्रफल केक में जो ट्रफल का 1/3 पार्ट होता है उसको मैं व्हिप क्रीम के साथ मिक्स करके इस तरीके से डच क्रीम बनाती हूँ, जो कि अंदर की फिलिंग मैं इस क्रीम से करती हूँ और बाहर की आउटिंग इस वाले। गाइस, अभी तक मैंने इसको फ्रिज में रखा नहीं है, उसमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक हो गई है, तो मैं जब तक उसकी अंदर की फिलिंग करूँगी तब तक हमारा ये गनाश है वो अच्छे से सेट हो जाएगा।
सो गाइज आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मेरे लिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर आपको इससे ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ी देर और फ्रिज में रख के फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो बस अब हम इसको फिल कर लेंगे पाइपिंग बैग में। यहाँ पर हमारी फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है। गाइस यहाँ पर फ्रॉस्टिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर चारों ओर गनाश लगा दिया है। अब मैं यूज करूंगी हेयर ड्रायर से इसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगी ताकि जब मैं स्क्रैपर से इसको फ्लैट करूँ तो अच्छे से फाइन फिनिशिंग आ सके। यहाँ पर हमारे केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे एंड देन इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ट्रफल गनाश है वो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं नॉन स्टिक की है बिल्कुल भी, तो अच्छे से एकदम सेट हो चुका है ये। और अब हम करने वाले हैं इसका फाइनल डेकोरेशन। तो यहाँ पर जो क्राउन और इन सब डिजाइन पर हमने जो गोल्डन किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ ड्राई है, अब बस इस केक के ऊपर हमें इसे सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ ये क्राउन। तो क्राउन हमारा पूरा अच्छे से सेट है, इसको इजीली मैं हाथ में पकड़ पा रही हूँ और पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब हमें इसको इस केक के ऊपर यहाँ पे सेट करना है। तो गाइस ये है मेरे केक का फाइनल लुक, पूरा चॉकलेट ट्रफल 1 kg है, ऊपर सब कुछ फॉन्डेड टॉपिंग है जो कि गोल्डन की गई है। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। गाइस मुझे भी ऐसा लगा था कि आज के केक डन हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने इस केक को कंप्लीट करके फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि कस्टमर आके ले जाए, उसी समय एक और केक का ऑर्डर आता है। तो फिर से हमने इस वीडियो को कंटिन्यू किया, तो देखिए इसका सेकेंड ऑर्डर हमने कैसे कैसे पूरा किया है। सो गाइस जैसे ही मैंने वो केक कंप्लीट किया और मैं सारे काम से फ्री हुई, जितने में आ गया हमारे पास एक और ट्रफल केक का ऑर्डर, तो उसके लिए स्पॉन्ज बैक किया हुआ था इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। देन यहाँ पर ट्रफल गनाश रेडी कर दिया गया 1/2 hour में एंड देन अंदर की फिलिंग के लिए यहाँ पर जो फिलिंग है वो भी रेडी कर दी गई है। फटाफट से इसको विद इन 1/2 hour में हम इस केक को रेडी कर देंगे, ज़्यादा डेकोरेशन पार्ट नहीं है, फॉन्डेंट नहीं है, तो रेडी करते हैं इसको एंड देन इस वीडियो को एंड करते हैं। दिन वाले केक में तो मैंने हेयर ड्रायर यूज की थी और अभी मैं यूज कर रही हूँ हॉट वाटर, तो इसमें मैंने गर्म पानी लिया है, बस इसको स्प्रे करेंगे और केक को एकदम फाइन फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर हमारे इस केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग हो चुकी है, विद इन 10 minutes भी नहीं लगे, 5 to 7 minutes लगे इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग में। यहाँ पर मैंने ऐड किया है चॉकलेट गनाश। सो फ्लावर नोजल यूज करके मैंने यहाँ की जो साइड बाउंड्री है फ्लावर की वो डन कर दी और यहाँ पर हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो गया। सो गाइज स्टार्टिंग हमने एक केक से की थी, ये अर्जेंट ऑर्डर था जो कि हमने विद इन 30 to 1 hour मान लेते हैं उसमें हमने ये केक कंप्लीट कर लिया। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलते गए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।